21 जून 1973 में पीजीआई ने अपना पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी कहे जाने वाले डॉक्टर के एस चुग और डॉक्टर आर वी एस यादव ने पीजीआई में उस दिन पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। बुधवार को किडनी ट्रांसप्लांट के 50 साल पूरे होने पर डिपार्टमेंट ऑफ रेनल सर्जरी द्वारा गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया गया। तब से लेकर अब तक इन 50 वर्षों के सफर में करीब 4700 सफल रेनल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इन्हीं ट्रांसप्लांट में से एक किडनी सुखदेव सिंह को उनके पिता द्वारा दी गई। उस वक्त उनकी उम्र थी करीब 30 साल और उनके पिता की उम्र करीब 64 साल। उनकी किडनी आज 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और आज भी स्वस्थ रूप से काम कर रही है। वो पीजीआई रेनल ट्रांसप्लांट में अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रेनल ट्रांसप्लांट सर्वाइवर हैं। इसके साथ ही सबसे यंगेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्वाइवर 3 साल के रवजोत का पिछले साल किया गया था। उस बच्चे की आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान, उसके पेरेंट्स के आंखों में खुशी के हल्के से आंसू उनके दर्द के बाद की जीत को बयां करते हैं। रवजोत द्वारा केक काट के डॉक्टर आशीष को खिलाना उसकी खुशी का इजहार करता है। चंडीगढ़ के ही कर्नल भूपेंद्र, जिनको 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, आज वो प्रतिदिन 2 से 3 घंटे गोल्फ खेलते हैं और अपनी पत्नी के लिए खाना भी बनाते हैं। इसके साथ ही वो दिन प्रतिदिन के तमाम तरह के काम करने के साथ ही पूर्ण तौर पर स्वस्थ हैं। इन सभी ने पीजीआई का तहे दिल से धन्यवाद किया और इन सभी का यही कहना है कि हमें ऑर्गन और बॉडी डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। इसके साथ ही 2014 में पीजीआई ने साइमल्टेनियस पैनक्रियाज किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया, जिसमें अब तक 40 पैनक्रियाज और किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही पीजीआई देश का पहला और एकमात्र मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि कार्डियक डेथ के बाद रेनल ट्रांसप्लांट कर सकता है। कार्डियक डेथ के बाद 60 मिनट के भीतर किडनी निकालनी होती है, इसमें देरी होने पर किडनी किसी भी काम की नहीं रहती। वहीं साइमल्टेनियस पैनक्रियाज किडनी ट्रांसप्लांट में भी पीजीआई सबसे आगे है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। My transplant was done last year in March 2022, 20th of March. कौन से डॉक्टर थे आपके? आशीष, डॉक्टर आशीष शर्मा। और कैसे लग रहे थे पीजीआई हो रहे ट्रांसप्लांट? Wonderful, incredible, joyful. ऐसा लग रहा है कि नई जिंदगी मिली है? Yes, yes, of course. आप डॉक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? All doctors are incredible. They are like a family. He is always there for me. आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे ऑर्गन डोनेशन करने के लिए? इट कैन एवरी ऑर्गन कैन सेव मेनी लाइफ, सो वी हैव टू डोनेट आवर ऑर्गन्स टू सेव अदर्स लाइफ। मेरा नाम कर्नल भूपेंद्रजीत सिंह है और मैं कोई आज से कोई 7.5 साल पहले मेरी किडनी फेल हो गई और 2 साल मैं डायलिसिस पे रहा और 27 नवंबर 2017 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी का ट्रांसप्लांट, और तब से मैं घर पे ही रहता हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल भी पेशेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रांसप्लांट होने का मतलब ही यही है कि आपको एक ऑर्गन, अच्छा ऑर्गन मिल गया है और अब आप नॉर्मल इंसान की तरह से बिहेव कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ और रोज सुबह 2.5 घंटे गोल्फ खेलता हूँ और उसके बाद में क्योंकि कुछ करने को नहीं है तो मैं टीवी देखता हूँ, और क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे इस जर्नी में बहुत साथ दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ उनको एक अच्छी से अच्छा खाना बना के खिला सकूँ, उसमें एक अच्छी चीज़ बना के खिला सकूँ। और बस मैं लोगों से ही कहना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट होने के बाद में प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, आप पेशेंट नहीं रहते हैं, और हर वक्त खुश रहिए, हंसते रहिए और बिना मतलब की हंसी है लेकिन रोज हंसी है। आप लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे ऑर्गन डोनेशन के लिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगा। आप देखिए कि अभी आपने देखा कि एक ऐसे सर्जन थे जिनका कि ट्रांसप्लांट हुए हुए 36 ईयर हो गए हैं, वो एक किडनी के ऊपर पिछले 36 साल से सर्वाइव कर रहे हैं और उनको किडनी जो है उनके फादर ने दी थी जो कि 65 ईयर्स ऑफ एज थे, तो आज उनकी जो किडनी उनके अंदर जो काम कर रही है वो 90 साल या 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। तो एक किडनी के ऊपर भी इंसान
बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छी तरह से ज़िंदा रह सकता है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो किसी से अपने रिश्तेदार से, अपने भाई बहनों से अपनी अगर किडनी दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए, और अपने ऑर्गन्स जरूर अपने जाने के बाद उनको ऐसे उसमें लगाइए कि वो शायद किसी के काम आए। वो ऑर्गन डोनेशन ही एक सबसे बड़ा दान होगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।